मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिल्ली के जाफराबाद में सीएए के समर्थक और सीएए के विरोधियों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। प्रदर्शन के दौरान दो गुटों में ये पत्थरबाजी हुई है। कुछ लोग सीएए के समर्थन में थे तो कुछ लोग वहीं सीएए के खिलाफ थे और दोनों गुटों में ये पत्थरबाजी हुई है और पुलिस भी मौजूद थी उस समय और पुलिस के सामने ही ये पत्थरबाजी हुई है। हालांकि इस पत्थरबाजी में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। खासतौर पर दोनों गुटों में ज्यादातर नौजवान शामिल हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। दिल्ली के जाफराबाद की ये तस्वीरें हैं और पत्थरबाजी दोनों गुटों में लगातार जारी है। अपने आप में ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। पुलिस पत्थरबाजों को रोकने की कोशिश भी कर रही है मगर पत्थरबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोनों गुट आमने सामने आ गए हैं और पत्थरबाजी हो रही है। आपको बता दें कि एक तरफ सीए के समर्थक हैं तो दूसरे तरफ सीए के विरोधी हैं और दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हो रही है। मगर काफ़ी देर बाद पुलिस को एक्शन लेते हुए भी देखा गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। पुलिस ने अब हालात पर काबू पाने की कोशिश भी कर रही है ताकि हालात को नियंत्रण किया जा सके। एक तरह से देखा जा रहा है कि सीए के खिलाफ विरोध अब तेज होते जा रहा है क्योंकि दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर अब जाफराबाद, चांदबाग, खुरेजी में भी शाहीन बाग बनकर तैयार हो गया है और लोग शाहीन बाग की तर्ज पर ही अब सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।